हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। सो दोस्तों, जैसा कि पता है आपको, हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट पर यूपी पॉलिटेक्निक इंटेक्स एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें दोस्तों इसके पहले मैंने मैथ की 8 क्लासें ले चुका हूँ। आज से दोस्तों आपके लिए साइंस की भी क्लासेस शुरू कर दी जा रही हैं, जिसमें आज सबसे पहले हम फिजिक्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ये जानेंगे कि फिजिक्स में सिलेबस क्या है, फिजिक्स के कौन कौन से चैप्टर आपके यूपी पॉलिटेक्निक इंटेक्स एग्जाम में किस किस चैप्टर से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस की बात करेंगे। अगर दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो सबसे पहले अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो देखते हैं सिलेबस क्या है। सबसे पहला चैप्टर आपका है मानक, पहला चैप्टर फिजिक्स का है मानक। फिर दूसरा चैप्टर की बात करें तो सदिश तथा अदिश राशियां। तीसरा चैप्टर है आपका गति। चौथा चैप्टर है न्यूटन के गति का नियम। पांचवा चैप्टर है बलागुण। छठवां चैप्टर है कार्य सामर्थ्य और ऊर्जा। सातवां चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण। आठवां चैप्टर है द्रव स्थैतिकी तथा आक्रमणीय सिद्धांत। फिर नौवां चैप्टर है सरल लोलक व तरंग गति। फिर दसवां चैप्टर है पदार्थ का अणु गति सिद्धांत। अब दोस्तों देखते हैं कि चैप्टर आपका है तापमिति व उष्मीय प्रसार। बारहवां चैप्टर है विशिष्ट उष्मा व गुप्त उष्मा। तेरहवां चैप्टर है उष्मा संचरण। चौदहवां चैप्टर है प्रकाश की प्रकृति तथा परावर्तन। पंद्रहवां चैप्टर है प्रकाश का गोली दर्पणों पर परावर्तन। सोलहवां चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन। सत्रहवां चैप्टर है पतले लेंसों से अपवर्तन। अठारहवां चैप्टर आपका प्रकाशीय यंत्र। उन्नीसवां चैप्टर है विद्युत घटनाओं का परमाणु मॉडल। बीसवां चैप्टर आपका है ओम का नियम विशिष्ट प्रतिरोध। इक्कीसवां चैप्टर है विद्युत धारा विभव व विद्युत सेल। बाईसवां चैप्टर आपका है विद्युत धारा के अनुप्रयोग। तेईसवां चैप्टर है धारा का चुंबकीय प्रभाव। चौबीसवां चैप्टर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो दोस्तों मैंने सिलेबस के बारे में बताया, जो कि आपके 24 चैप्टर है, यानी कि 24 पार्ट है आपके फिजिक्स में, जो कि मैं दोस्तों वन बाय वन करके एक एक चैप्टर को, प्रत्येक चैप्टर को आपको पढ़ाऊंगा, कोई भी चैप्टर आपका छूटेगा नहीं। सो दोस्तों सबसे पहले हम फिजिक्स को फिनिश करेंगे। यदि टाइम मिलेगा तो दोस्तों आपके लिए केमिस्ट्री की भी क्लासेस शुरू कर दी जाएंगी, नहीं तो फिजिक्स को समाप्त होने के बाद केमिस्ट्री की क्लासेस शुरू की जाएंगी। अगर दोस्तों आपका ज़्यादा सपोर्ट मिला तो फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री भी पढ़ाई जाएगी, यानी कि फिजिक्स की अलग क्लासेस और केमिस्ट्री की अलग क्लासेस डेली बेसिस पर की जाएगी। सो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस सिलेबस को और इस क्लास को शेयर कीजिए। सो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट से जुड़े नहीं हैं तो ओडी स्टडी पॉइंट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।